मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले दो ढाई वर्षों में किसी भी एक बेगुनाह आदमी की जान पुलिस के सुरक्षा बलों की गोली से नहीं गई। अगर कहीं संदेह पैदा हुआ है तो उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो करने की कोशिश की गई। अगर मैं आंकड़े बताऊंगा तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं 2016 से 19 से 2019 से 22 के बीच तो लगभग आंकड़े आधे हो गए, लेकिन लोगों की अपेक्षा से दूसरी है। ये मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर पूरी दुनिया और पूरे देश को भरोसा है। एक छोटी घटना भी लोगों को दहलाती है, लोगों की अपेक्षा यह है कि वे भी घटना नहीं होनी चाहिए। आतंकी संगठनों के सरपरस्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की संख्या बढ़ी है। इकोसिस्टम किस तरह से समाप्त हो इसकी कोशिश की जा रही है। और मैंने कहा पहले आपसे कि अब दूसरे देश के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बंदी नहीं होती है। स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, किसी की दुकान और किसी न किसी का बिजनेस प्रतिष्ठान अब कोई जबरदस्ती जम्मू कश्मीर में बंद नहीं करा सकता। आम आदमी अमन चैन से रोजी रोटी कमाए इसकी व्यवस्था करने में हम सफल हुए। टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट पर काफी हद तक अंकुश लगा है। सपोर्ट सिस्टम को चलाने वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी ताबूत में आखिरी कील भी ठोंकी जाएगी। और जब तक अमन चैन नहीं आएगा, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति की भी जान जाती, मैं जानता हूं इस बात को कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता। जिस परिवार का दिया बुझ जाता है उस परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता। इस सच्चाई को मैं जानता हूं। मुझे दुख है कुछ लोग इन आतंकवादियों के शिकार हुए हैं, लेकिन आज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आतंकवाद समूल जम्मू कश्मीर में समाप्त हो इसकी हर कोशिश अंतिम सांस तक की जाएगी। यही बात करते हुए